नमस्ते आचार्य श्री, कमल जैन सीसी कॉलोनी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। इस कोरोना काल में बहुत से लोगों हैं जिसमें कई जैन भी शामिल हैं, उन्होंने इंजेक्शन और दवाइयां ब्लैक में बेची हैं, यह कहां तक उचित है और इसका क्या फल मिलेगा? देखिए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इस प्रकार से कार्य करना बिल्कुल भी गलत है। हम ब्लैक में कोई दवाई बेचें, इंजेक्शन बेचें, हम जीव दया करते हैं, करुणा करते हैं। हमारे अंदर तो ये होना चाहिए कि हम और उसका सहायता करें, सहयोग करें। ऐसा कार्य करने वाला जैनी की श्रेणी में नहीं हो सकता। नमोस्तु आचार्य श्री, प्रभा जैन मैनवार जेल धार से अपनी शंका रख रही हैं। मैं सामायिक पाठ डेली करती हूँ पर अर्थ नहीं पता, कृपया अर्थ बताने की कृपा करें। आप सामायिक पाठ पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है और पढ़ना चाहिए। इसका जो अर्थ है, आप जैसे YouTube आदि में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, किसी विद्वान के द्वारा सुन लेना। यहाँ पर संक्षेप से इतने कहेंगे, समता का भाव रखना सामायिक है, ऐसा करते रहिए। नमोस्तु आचार्य श्री, सुलेख चंद जैन नोएडा उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी से समोसरण में प्राप्त ज्ञान को तभी क्यों लिपिबद्ध नहीं किया गया? 683 वर्षों के बाद क्यों लिपिबद्ध किया गया? अब तक जो ज्ञान प्राप्त हो रहा था वो सुनने सुनाने का ज्ञान प्राप्त हो रहा था, कि गुरु के मुख से सुनने में ज्ञान का प्रमाणिक समझा जाता था और वो याद भी रहता था, इसलिए लिखने का परिणाम भी नहीं हुआ। जब यादें थोड़ा कम होती गई तो करुणा बसात धर्सेन स्वामी को यह ज्ञान हुआ कि इसे लिख देना चाहिए, नहीं तो आने वाले जीवों को यह याद नहीं रह पाएगा और ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इसलिए 683 वर्ष के बाद इसे लिपिबद्ध करने के भाव प्रकट हुए। नमोस्तु आचार्य श्री, सरोज जैन सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट से अपनी शंका रख रही हैं। आचार्य श्री विश्व सागर जी की टीका में छठवें गुण स्थान तक आहार संज्ञा होती है एवं सातवें गुण स्थान में खाना खिलाना बंद हो जाता है, जबकि आहार संज्ञा तो बानवें गुण स्थान में होती है, कृपया कर समाधान करें। आहार संज्ञा की जो विच्युति है वो छठवें गुण स्थान तक ही होती है, अर्थात छठे गुण स्थान तक ही आहार संज्ञा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि असाता वेदनी कर्म का जो तीव्र उदय है वो छठे गुण स्थान तक ही पाया जाता है। इसके बाद असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय नहीं होता है सातवें, आठवें, नौवें, दसवें गुण स्थान में, इसलिए वो बारहवें तक नहीं पाई जा सकती है। आपने जो पढ़ा वो सही नहीं पढ़ा कि बारहवें गुण स्थान तक आहार संज्ञा होती है, छठे गुण स्थान तक ही होती है, क्योंकि उसका कारण असाता वेदनी कर्म का तीव्र का उदय। नमोस्तु आचार्य श्री, मंजू गांगवाल रफीगंज और औरंगाबाद से अपनी शंका रख रही हैं। मेरी इच्छा है कि मृत्यु के बाद मेरे अंग दान हो जाएं ताकि किसी का जीवन सुधर सके, तो अंग दान करना चाहिए या नहीं, कृपया समाधान करें। जैन धर्म में अंग दान की किसी प्रकार की बात नहीं आई हुई है, कहीं आगम में पढ़ने भी नहीं मिला है कि आँख दान दे दें या हार्ट दान दे दें या लीवर दान दे दें या किडनी दान दे दें, इस प्रकार का प्रकरण कहीं मिलता नहीं है और ये उचित भी नहीं है। शेष आपकी अपनी स्वयं की मर्जी। नमोस्तु आचार्य श्री, रेखा जैन अम्बाला से अपनी शंका रख रही हैं। अघातीय कर्मों के नष्ट होने के क्रम पर प्रकाश डालने की कृपा करें। 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही 85 प्रगतियों में से 73 प्रगतियों का क्षय हो जाता है अघातियों की, क्योंकि अरहंत के 63 प्रगति नष्ट होती हैं और 63 को 148 में निकाल देते हैं तो 85 प्रगतियां बचती हैं। 85 में से जैसी 14 गुण स्थान में पहुंचे तो आघातीय कर्म में से कितनी प्रगति चली जाएंगी? 73 प्रगतियां चली जाएंगी, और जो आघातीय कर्म की 13 प्रगति बची हैं वो 14 गुण स्थान के अंतिम समय में वो भी समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से आघातीय कर्म का 14 गुण स्थान में ही क्षय पाया जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री, प्रशांत संघवी कनाडा से अपनी शंका रख रहे हैं। चेतना क्या है, इसको विस्तार से समझाने की कृपा करें। चेतना जो चैतन्य गुण से समृद्ध हो वो चेतना है, जिसमें जानने की देखने की शक्ति होती है उसे चेतना कहते हैं। जो संवेदन कर सके, जो अनुभव कर सके, जो जान सके अपने बारे में भी, पर के बारे में भी, जो स्व को भी जाने, पर को भी जाने, जो पर गे को भी जाने, स्व गे को भी जाने, उसे चेतना कहते हैं। जो संचेतन हो, जिसमें शक्तियाँ हो जानने की, देखने की, आनंद को ग्रहण करने की या अपने स्वयं की शक्ति का अनुभव करने का, इसे चेतना कहते हैं। तो चेतना
आत्मा है और चैतन्य उस आत्मा का जानने देखने का स्वभाव या गुण है उसके। नमोस्तु आचार्य श्री सुलेख चंद जैन, सेक्टर 51 नोएडा उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। भरत तथा ऐरावत क्षेत्र के उत्तम मध्यम तथा जघन्य भोग भूमि में पुरुष स्त्री के गर्भज होते हैं। अत्यंत कम भोजन लेने के बावजूद भी पुरुष तथा स्त्री के शरीर बहुत बड़े होते हैं, कैसे? उनके घर कितने ऊंचे होते हैं? हाँ, नियम से गर्भज ही होते हैं और इनके जो शरीर की अवगाहना बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि ब्रज वृषभ नारायण संगनन शरीर होता है और ब्रज वृषभ नारायण संगनन शरीर वाला बहुत शक्ति संपन्न होता है। इसे भोजन पानी की भी आवश्यकता नहीं है जब तक इनकी आयु होती है, लेकिन फिर भी उनको कम मात्रा में जो भोजन करने के बाद भी उनका जो शरीर है हष्ट पुष्ट हो जाता है। ब्रज वृषभ नारायण संगनन में हमेशा ऐसी नौकर मृगणाओं का आवागमन होता रहता है जिससे शरीर ज्यों की त्यों बिल्कुल युवा जैसे उनका हष्ट पुष्ट शरीर बना रहता है। घर जैसे उनका शरीर की अवगाहना बड़ी है तो पेड़ों की अवगाहना बड़ी हुई है और वो ठंडी गर्मी बरसात कुछ लगती नहीं है, तो इसलिए घर मकान की उनको जरूरत आवश्यकताएं नहीं हैं। फिर भी जो जो वहाँ पर मकान आदि हैं वो कल्प वृक्ष से इच्छित करते हैं तो उन्हें वो प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आवश्यकता उनको बिल्कुल भी नहीं होती है। नमोस्तु आचार्य श्री, चंद्र कुमार जैन बड़ा मलहरा छतरपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। महाधवला और सठखंडागम पर आचार्य श्री जिनसेन जी के द्वारा 9वीं शताब्दी में कितने श्लोक लिखे गए? 40,000 श्लोक प्रमाण उन्होंने इसकी टीका लिखी। नमोस्तु आचार्य श्री, अनुज जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या किसी इंसान का आयु कर्म हम बदल सकते हैं क्या? हम किसी के भी आयु कर्म को बदल नहीं सकते। किसी का नरक गति का आयु का बंद हो गया हो और हम चाहें उसे देव गति पहुंचा दें तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो क्या उसके हाथ में भी नहीं है अब, जिसकी आयु कर्म का बंद हो चुका है। हम स्वयं अपनी आयु कर्म का बंद बांध लें और हम अपनी आयु को दूसरी प्रकार की आयु बंद सोच लें तो कभी नहीं हो सकता है, एक बार ही बनती है। हाँ, उसमें अपकर्षण और उत्कर्षण प्रति समय के परिणाम से हो सकता है, वो भी स्वयं के परिणाम से, दूसरे के परिणाम से तुम्हारी आयु का घटना और बढ़ना भी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करें? तो हम सिर्फ उस जीव की, जैसे कोई व्यक्ति मृत्युशैया में हो तो हम उसकी आयु तो बढ़ा नहीं सकते हैं न घटा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो हम सिर्फ प्रार्थनाएं ही कर सकते हैं कि जीव जो है वह संक्लेश रहित परिणामों के साथ जो है या तो मरे या फिर विशुद्ध परिणामों से जिए, बस इतनी भावनाएं भा सकते हैं, इससे ज़्यादा अपन कुछ भी नहीं कर सकते। नमोस्तु आचार्य श्री, बाल ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी भगवान छतरपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। जो मंदिर जी में प्रतिमा विराजमान होती हैं विषम संख्या में ही क्यों की जाती हैं, सम संख्या में क्यों नहीं? विषम का तो प्रमाण ही मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, सम का प्रमाण प्राप्त हुआ है। सम संख्याओं में प्रतिमाएं होती हैं और यहाँ तक कि एक वेदी में एक ही प्रतिमा का प्रमाण मिला हुआ है, जैसे आकृतिम चित्यालय है उसमें 108 प्रतिमाएं हैं, तो सबकी अलग 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 वेदियाँ होती हैं, सब एक साथ नहीं रहते हैं। भरत चक्रवर्ती ने भी जो प्रतिमाएँ विराजमान की वो 72 की, वो भी एक अलग अलग चित्यालय में की, तो उनका चित्यालय भी अलग, उनकी वेदी भी अलग, इस प्रकार से प्रमाण मिलते हैं। और भगवान कितने देख, 24 भगवान, तो 24 समी है ना, आप 72 तीर्थकाल 24 ही है तो समी हैं। 108 प्रतिमा कृत्रिम चित्यालय में होती हैं वो भी समी हैं। आप 20 तीर्थंकर होते हैं वो भी समी हैं। आप कोई से भी तीर्थंकर उठाइए, 170 तीर्थंकर एक काल में हो जाए वो भी सम हैं, 20 रहे तीर्थंकर वो भी सम है, विषम की तो गिनती ही नहीं आती है तीर्थंकरों की। और फिर वेदी की बात चले तो वेदी में एक वेदी में एक ही तीर्थंकर होना चाहिए, दूसरे तीर्थंकर कैसे? आदिनाथ महावीर स्वामी के साथ आदिनाथ कैसे बैठे? जैसे शांति सागर जी महाराज जी, देशभूषण महाराज जी, विद्यानंद महाराज जी, तो विद्यानंद महाराज जी को मूल नायक बना दो, शांति सागर जी को और देशभूषण महाराज जी को नीचे बैठा दो, तो ये अपमान सा होता है। इसलिए एक वेदी में एक ही तीर्थंकर की स्थापना का जो प्रमाण मिलता है, बाकी और चर्चा का विषय है और इसे शोधन का विषय है।
सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।